ओके दोस्तों, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक जो हम सीखे हैं उसको हमने अप्लाई करना सीखते हैं। लेट्स सी, क्या है पहला? पहला क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, जो मान लो मेरे पास एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, यहां पर कोई मास नहीं है, बस आर्क है। ये वाला आर्क का जो रेडियस है, दैट रेडियस इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। इसका मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा मान लो, यहां पर एंगल बनता है थीटा और यहां पर भी एंगल बनता है थीटा। तो सवाल ये है, लोकेट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जो है उसको हमें लोकेट करना है, तो हम किस तरीके से लोकेट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम गौर से ध्यान दें, यहां पर ये वाले लाइन के अबाउट सिमेट्री है, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होने पर वाई सी एम जो है वो तो हमारा डेफिनेटली जीरो हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास इस आर्क का कहीं पर भी लाई करेगा वो डेफिनेटली मेरा एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, तो ये वाला पॉइंट को मैं बोल देता हूं एक्स सी एम कॉमा जीरो, ठीक है, ये वाला पॉइंट को मैं बोल देता हूं एक्स सी एम कॉमा जीरो। नाउ सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, ये हमारा आर्क है, ठीक है, यहां से कोई भी एंगल फाई पर मैंने एक पतला सा स्ट्रिप काट लिया ऑफ एंगल डिफाई, यहां से कोई भी एंगल फाई पर मैंने एक पतला सा स्ट्रिप काट लिया ऑफ एंगल डिफाई, तो ये वाला जो लेंथ है दैट लेंथ कैन बी रिटन एज आर डिफाई। इसका वाई निकाल के तो कोई फायदा नहीं है, जो भी हमें निकालना पड़ेगा वो केवल और केवल इसका एक्स निकालना पड़ेगा। ना दोस्तों, दिस इज आर, दिस इज फाई, तो एक्स का जो क्लियर वैल्यू है वो है हमारा आर कॉस फाई, और डीएम जो आएगा मेरे पास, दैट डीएम विल बी नथिंग बट लैम्डा आर डिफाई। अच्छा, टोटल मास अगर है, बाय द वे मैं टोटल मास लिख देता हूं, टोटल मास दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डीएम, जिसको मैं एम बोलूंगा, ये पूरा एंगल जो है वो है टू थीटा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू टू लैम्डा आर थीटा, ये हमारा टोटल मास है। सो दोस्तों, एक्स सी एम जो मेरे पास आएगा, एक्स सी एम जो मेरे पास आएगा, दैट विल बी इंटीग्रल एक्स डीएम बाई द टोटल मास एम। नाउ एक्स डीएम अगर मैं करूंगा, दैट विल बी लैम्डा आर स्क्वायर इंटीग्रल कॉस फाई डी फाई, यहां पे फाई का वैल्यू अगर हम देखें, हमने फाई इस तरीके से मेजर किए हैं, फाई का मिनिमम वैल्यू है माइनस थीटा, जब मैं इस लाइन के नीचे मेजर करूंगा तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए मुझे माइनस थीटा लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू थीटा। नाउ दैट इज डिवाइडेड बाय द टोटल मास, दैट इज टू लैम्डा आर थीटा, सो लैम्डा लैम्डा गॉन, आर आर गॉन, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू आर बाय टू थीटा। नाउ इंटीग्रल कॉस फाई इज नथिंग बट साइन फाई, तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा। नाउ दिस इज टू साइन थीटा, तो एक्स सी एम का सिंपली जो वैल्यू आ जाएगी टू टू गॉन, दैट इज आर बाय थीटा इनटू साइन थीटा, दैट इज द लोकेशन ऑफ
द सेंटर ऑफ मास, राइट, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू आर थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा दोस्तों, इसका स्पेशल केस, हम दो स्पेशल केस के बारे में बातचीत करेंगे, ध्यान दो। थीटा अगर मेरा पाई बाय टू हो, थीटा अगर मेरा पाई बाय टू हो, तो पाई बाय टू करने पर ये एक सेमी सर्कुलर रिंग बनेगा। देखते हैं हम पुराने फॉर्मूले में वापस आ रहे या नहीं। एक्ससीएम जो आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय टू इज वन, तो आर बाय पाई बाय टू सिंपली आ रहा है टू आर बाय पाई, जो कि हम पहले जो निकाले थे उसी के इक्वल आया है। और दूसरा, अगर मैं थीटा को पाई ले लेता हूं, थीटा अगर मेरा पाई है तो मैं कंप्लीट सर्कल बना लूंगा, तो पूरा रिंग का तो डेफिनेटली सेंटर पे आना चाहिए, यानी एक्स सी एम जीरो आना चाहिए। लेट्स सी आ रहा है या नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, साइन पाई तो डेफिनेटली जीरो है, तो एक्स सी एम का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। सो अगर हमारे पास कोई भी एक सेमी सर्कुलर आर्क हो, सेमी सर्कुलर आर्क, अगर कुछ लोग इसको डायरेक्टली याद भी रख सकता है, एसेंशियल नहीं है बट ऑब्वियसली याद रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा। तो सेमी सर्कुलर आर्क का जो हमारा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है दैट इज आर बाई थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा दोस्तों, इसमें अगर मान लो सिमेट्री में गायब कर दूं, यानी यही वाला क्वेश्चन में मैं हल्का सा बदलाव लाता हूं, ये मेरा x है, ये मेरा y है। नाउ ये मेरा आर्क है, ये आर्क सिमेट्रिक नहीं है, यहां से एंगल बनता है अल्फा, यहां से एंगल बनता है बीटा, अल्फा दे रखा है ग्रेटर देन बीटा। मान लो कुछ तो मानना पड़ेगा, तो मान लो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, रेडियस जो है वो है हमारा आर, तो अब हमारा सेंटर ऑफ मास कहां पर होने वाला है, ठीक है। नाउ माय क्लेम, ये वाला क्वेश्चन को रीडू करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो मेरा नॉलेज है उस नॉलेज से मैं आगे बढ़ूंगा। देखो दोस्तों, मैं सिमेट्री में एक चीज तो बोल सकता हूं, इन दोनों एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये दोनों एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी यहां से और यहां से एंगल जो इक्वल बनाएगा, कितना एंगल है वो अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये जो एंगल बनाएगा ये हमारा इस चीज को सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला चीज ही मैं क्रिएट कर रहा हूं, बस पूरा चीज को थोड़ा रोटेट करके। तो एक बात तो निश्चित है, सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन दिस लाइन ओनली, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो डेफिनेटली मेरा इसी लाइन पे लाई करने वाला है। इज इट क्लियर? Now, यहां पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल का वैल्यूज तो हमने लिख दिए हैं, और यहां से अगर मैं देखूं सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, इसको अगर मैं स्मॉल आर बोलता हूं, तो मैं ये वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हुए कितना आएगा स्मॉल आर का वैल्यू, कैपिटल आर, यहां पर थीटा की तरह काम कौन कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यहां पे अल्फा प्लस बीटा मत लिख देना, थीटा जो है वो हाफ एंगल है, एंड इनटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, तो आर जो आ जाएगा दैट विल बी टू आर बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, इतनी दूरी पे मेरे पास आ जाएगा।
एंड नाउ अगर कोई पर्टिकुलरली एक्स और वाई के बारे में पूछे, ये डिस्टेंस तो वही आएगा जो मैं निकाल दिया हूं। एंड दोस्तों ध्यान देना, अगर एक्स और वाई के बारे में कोई पूछे, दिस विल बी एक्ससीएम एंड दिस विल बी वाईसीएम। नाउ ये वाला जो एंगल आएगा, ये छोटा वाला, इसको अगर मैं फाई बोलता हूं, तो फाई का वैल्यू क्लियरली आएगा मेरे पास अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, दैट इज अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये आएगा मेरे पास फाई का वैल्यू। सो इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम हियर, जो मेरा एक्ससीएम जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू आर कॉस फाई, और वाईसीएम जो आएगा दैट विल बी आर साइन फाई। ये मेरे पास एक्ससीएम और वाईसीएम का वैल्यू आएगा। सो एक्ससीएम का वैल्यू आने वाला है आर, दैट इज इक्वल्स टू टू आर बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस फाई। कॉस फाई मैं लिख देता हूं यहां पे, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये मेरे पास एक्ससीएम होगा। अब इसे प्रोडक्ट टू सम चले जाओ, टू साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी कितना आ रहा है अल्फा, प्लस साइन ऑफ ए ए माइनस बी क्या आएगा बीटा। तो एक्ससीएम जो आएगा दैट इज आर बाई अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये मेरा आ गया एक्ससीएम का वैल्यू। और अगर वाईसीएम कोई पूछेगा तो वाईसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, कितना टू आर बाई अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। सो दैट विल बी इक्वल्स टू अगेन सम टू प्रोडक्ट जाओ, टू साइन ए साइन बी कॉस ऑफ बी माइनस ए कितना आ जाएगा मेरे पास, किसी भी एक को बी मान लो, इसको बी मान लेता हूं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी अल्फा सॉरी बीटा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, सो दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ वाईसीएम। और जो भी हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो हमारा एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही डेफिनेटली लाई करने वाला है। आई होप दिस क्वेश्चन इज परफेक्टली क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। सो आर के बाद हम लोग थोड़ा सेक्टर पे आते हैं, अगेन असिमेट्रिक सेक्टर। तो सेक्टर जो है वो हमारा सेंटर पे एंगल बनाता है टू थीटा, ठीक है, बाइसिमेट्री, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, इट्स अ सेक्टर, यानी बेसिकली ये लैमिनार बॉडी है, इसमें पूरे के पूरे में मास है, इसके पूरे के पूरे में मास है। रेडियस जो है वो है आर, मास पर यूनिट एरिया मान लो है सिग्मा। नाउ दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, तो सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है। अगेन सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो वाई सी एम जो होगा
दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू जीरो, हाँ कि ना। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो डेफिनेटली हमारा वाई सी एम जो होगा वो हमारा जीरो होगा, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं यहां लाई करेगा और इसको मैं सिंपली बोल दूंगा एक्स सी एम कॉमा जीरो, राइट। एंड नाउ ऑब्वियस सी बात है अब हम क्या करने वाले हैं, देखो सेक्टर सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें आर्क सॉल्व करना होता है, तो हमने रेडियस मॉल आर का आर्क काट लिए यहां पर, रेडियस मॉल आर का आर्क काट लिए और ये वाला थिकनेस जो है वो है हमारा डीआर, तो ये वाला टुकड़े का जो एरिया होगा डीए वो कितना होगा दोस्तों, ये वाला लेंथ कितना है टू स्मॉल आर थीटा और ये वाला कितना है डीआर, तो ये वाले जो तुम्हारा छोटा सा आर्क कटा है इसका डीएम कितना होगा, इसका डीएम सिंपली आएगा सिग्मा डीए दैट इज टू सिग्मा आर थीटा इंटू डीआर, थीटा यहां पर कांस्टेंट है जो भी है, थीटा ऑब्वियसली बात है कॉस्ट, थीटा वेरिएबल नहीं है। अच्छा टोटल मास क्या आएगा, इंटीग्रल डीएम दैट इज टू सिग्मा थीटा इंटीग्रल आर डीआर, तो सिंपली कितना आ जाएगा मेरे पास सिग्मा आर स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास टोटल मास है। नाउ ये जो डीएम है इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो तो ये वाले फॉर्मूले पे आएगा, यहां पर आर का वैल्यू आएगा स्मॉल एक्स, तो आर का वैल्यू स्मॉल आर, तो एक्स में क्या लिखूंगा स्मॉल आर बाई थीटा इंटू साइन थीटा, तो इंटीग्रल एक्स डीएम का वैल्यू अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा। नाउ इसको अगर मैं देखा जाए डीएम का वैल्यू आई नो, जो जो बाहर जा सकता है वो तो मैं पहले कर देता हूं टू सिग्मा थीटा आर डी थीटा है यहां पर बाई थीटा इंटू साइन थीटा इंटीग्रल आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल एक्स डीएम एंड दैट विल बी नथिंग बट टू सिग्मा इंटू आर क्यूब पाई थ्री, ये मेरे पास आ जाएगा। सो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो आएगा एक्स सी एम दैट विल बी टू सिग्मा इंटू आर क्यूब बाई थ्री दैट डिवाइडेड बाई सिग्मा आर स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा मिस हो गया, सॉरी ठीक है एंड इंटू साइन थीटा सिग्मा आर स्क्वायर इंटू थीटा, नाउ सिग्मा सिग्मा इज गॉन आर क्यूब और आर स्क्वायर चला गया तो मेरे पास सिंपली जो आ गया है दैट इज इक्वल्स टू 2r sin theta by 3 theta. So that is the location of center of mass for the arc. Again, इसको हम याद रख सकते हैं ठीक है, ये हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, तो कितना आ जाएगा 2r by 3 theta sin theta comma 0. देख लेते हैं सेमी सर्कल का फॉर्मूला आ रहा है या नहीं, अगर थीटा हमारा पाई बाय टू हो, इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय टू तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या आ जा रहा है
थीटा कोसाइन पाई बाय टू वन हो जाएगा, यहां पर थ्री पाई बाय टू हो गया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, फोर आर बाय थ्री पाई कॉमा जीरो। ये आ गया मेरे पास सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, जो आना भी चाहिए था क्योंकि ये हमारा एक सेमी सर्कुलर डिस्क में कन्वर्ट हो गया है। ओके